क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स। इन कोर्सेज की बाकी डिटेल्स एंड ऑफर्स डिटेल में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट वेट, डाउनलोड नाउ। नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। भारत में एक नए प्रकार का संकट दिखाई दे रहा है और वो संकट को आज मैं पूरे देश को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि भारत में संकट क्या है। दरअसल भारत में रिजर्वेशन को लेकर एक नई डेफिनेशन आई है सामने, एक नया काम सामने आया है। हालांकि ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ लोकलाइट को लेकर 70% या 75% रिजर्वेशन लागू किया। उसके बाद हरियाणा ने अपने यहाँ लेजिस्लेशन बनाकर, कानून बनाकर उसको लागू किया। अभी फिलहाल बिल्कुल जल्दी में, कल या परसों, 1-2 दिन पहले, झारखंड ने भी इस विषय पर अपने यहाँ कानून बनाया। झारखंड ने कहा कि जो 75% लोग, कोई भी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में आती है तो 75% लोग उसको लोकल लेने पड़ेंगे। रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आर्टिकल 16(4) का पार्ट है, आर्टिकल 15(4) का पार्ट है। आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 15(4) केवल गवर्नमेंट को डील करते हैं और ये कहते हैं कि किसी भी सरकारी नौकरी में ये राज्य सरकार को अधिकार होगा या सरकारों को अधिकार होगा कि वो अपने यहाँ एक पार्टिकुलर कम्युनिटी, जो पिछड़ा, दलित, SC, ST, OBC, ऐसे लोगों को, या फिजिकली हैंडीकैप है या वीमेन है, इनको ऊपर उत्थान करने के लिए उनको लाया जाएगा और उनके लिए कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 61 का विरोध नहीं करेगा, आर्टिकल 15(1) विरोध नहीं करेगा। आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी मामले में भारत में भेदभाव नहीं हो सकता। अब मैं अगर उसको इन स्पेसिफिक कहूँ तो आर्टिकल 15 डील करता है स्कूलों में एडमिशन को लेकर, आर्टिकल 15 डील करता है घाटों में पानी को लेकर, आर्टिकल 15 डील करता है सामान्यतः जो पब्लिक सेक्टर के, पब्लिक हैंडपम्प लगे हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, सिनेमा हॉल्स बने हुए हैं, कोई सरकारी ऑफिस बना हुआ है या कोई शॉप बनी हुई है, उसमें आप भेदभाव इस आधार पर नहीं कर सकते कि महिला के साथ भेदभाव करें, पुरुष के साथ भेदभाव करें, या लिंग के आधार पर भेदभाव करें, या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से भेदभाव करें, या उसके जेंडर के अलावा उसकी कास्ट के आधार पर, उसके रिलीजन के आधार पर, या और बहुत सारी रेसेस के आधार पर, इन आधारों पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये कहता है। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात करता है, दोनों ही पब्लिक के मामले हैं, आर्टिकल 15 भी और आर्टिकल 16 भी। हालांकि आर्टिकल 15 का मतलब ये है कि जो आपने लाइसेंस ले रखा है दुकान का, पब्लिक दुकान खोल के रखी है, तो आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हम महिला को नहीं बेचेंगे, पुरुष को नहीं बेचेंगे, किसी जाति विशेष को नहीं बेचेंगे, कोई संप्रदाय विशेष को नहीं बेचेंगे, कोई ऐसे व्यक्ति को नहीं बेचेंगे जो कहीं का रहने वाला हो। तो ये आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 16(1) इनमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क है। एक रेजिडेंस को डील करता है, कहता है आर्टिकल 15 में रेजिडेंस के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, आर्टिकल 16 में वो भी नहीं किया जा सकता, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वो भी नहीं किया जा सकता। ठीक है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग के केस में बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग के केस में ये कह दिया कि भाई रिजर्वेशन किसी भी हालत में 50% क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे देश की जो स्पीड है, जो इफ़िशियंसी है राष्ट्र की, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर ऐसा ना हो कि हम किसी समुदाय को, किसी जाति को या किसी संप्रदाय को उठाने के चक्कर में देश को पीछे फेंक दें या देश पर एफिशिएंसी पर फ़र्क आ जाए, ये सब बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग के केस में, मंडल आयोग मतलब हम लोग कहते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जब ओबीसी रिजर्वेशन आया था तब की बात है, और उसमें 9 जजों की चूंकि बेंच बैठी थी, अभी तक रिजर्वेशन पर सबसे बड़ी बेंच वही बैठी है, इसलिए उसका ही अनुसरण सब जगह किया जाता है। अभी अगर उसको बदलना है तो 9 जजों से ऊपर की बेंच बैठानी पड़ेगी। लेकिन ये वहाँ तक तो समझ में आता था कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक रिसोर्सेज में। लेकिन एक चीज़ मायावती ने उठाई थी कभी बहुत पहले, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा था कि हम पब्लिक सेक्टर में, हम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन कर देंगे।
आपको याद होगा कि जब ये बात उठी थी कि हम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन कर देंगे और हम दलित भाइयों को, हम जो पिछड़ा है, जो वंचित है, उनको रिजर्वेशन देंगे प्रदेश के अंदर प्राइवेट सेक्टर में, इस बात का पूरे देश की इंडस्ट्री ने खतरनाक तरह का विरोध किया था। यहाँ तक कि बजाज ने ये भी कह दिया था कि हम अपनी इंडस्ट्री उठाकर, हमारा जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है देश में, उसको उठाकर हम नेपाल ले जाएंगे, हम उसको उठाकर श्रीलंका ले जाएंगे या किसी और देश में ले जाएंगे जहाँ पर इस प्रकार के भेदभाव नहीं होते। उनका, इंडस्ट्रियलिस्टों का मानना था कि भाई ये जो हम कर रहे हैं, हमने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा, हम व्यापार अपने हिसाब से करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट अपने हिसाब से जनरेट करेंगे, हम अपने हिसाब से चूज़ करेंगे कि हमको किससे काम करवाना है, किससे काम नहीं करवाना है। आप अगर इसमें रिजर्वेशन लागू कर देंगे तो हमारी इंडस्ट्री पर, हमारी प्रोग्रेस पर, हमारे इन्वेस्टमेंट पर फ़र्क पड़ेगा, और चूंकि हमारे इन्वेस्टमेंट पर फ़र्क पड़ेगा, हमारे काम पर फ़र्क पड़ेगा, इसलिए हम क्यों भारत में इन्वेस्टमेंट रखें, हम भारत से बाहर चले जाएंगे। उस समय केंद्र की सरकार, देश भर में इसका विरोध हुआ था और विरोध होने का नतीजा निकला था कि मायावती भी चुप हो गई थी और उन्होंने आगे से उस पर कोई कमेंट नहीं किया, आगे कोई प्रोग्रेस नहीं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में, जो अभी नए तरह की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बट गया, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने यहाँ लोकलाइट रिजर्वेशन रखा। रिजर्वेशन है लेकिन कभी SC ST का रिजर्वेशन, पिछड़ों का रिजर्वेशन, रूरल रिजर्वेशन, वीमेन रिजर्वेशन, हैंडीकैप्ड का रिजर्वेशन, ऐसे बहुत सारे प्रकार के रिजर्वेशन उनको उत्थान करने के लिए करते हैं। तो अब की बार ये जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन हुआ लोकलाइट का, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने ये कहा कि हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्री लगी हुई है उस इंडस्ट्री में 75% एम्प्लॉयमेंट आपको लोकल उठाना पड़ेगा, जो डोमिसाइल है। और फिर आंध्र प्रदेश के बाद यही चीज़ हरियाणा ने कर दी और उन्होंने कहा 75% आपको लोकल उठाना पड़ेगा। अभी झारखंड ने भी यही काम कर दिया है, तो मुझे झारखंड में जब ये कानून पास हुआ तो मुझे इस पर ध्यान आया कि वाकई में समस्या कहाँ है और इसका सलूशन क्या हो सकता है। सवाल यहीं पर नहीं है, बहुत सारे और प्रदेश अपने यहाँ घोषणाएँ लगातार कर रहे हैं कि हम लोकलाइट रिजर्वेशन करेंगे, यानी कि हमारे प्रदेश के अंदर प्रदेश का ही इम्प्लॉई काम कर सकता है 75%, और वो भी जैसे हरियाणा ने कहा कि 50,000 रुपये तक की सैलरी का व्यक्ति आपको लोकल 75% रखना पड़ेगा, झारखंड ने कहा कि 40,000 रुपये सैलरी तक का व्यक्ति आपको लोकल का रखना पड़ेगा, और इसके ऊपर की जो सैलरियाँ हैं उन पर आप अपना डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, यानी कि मैनेजमेंट की पोस्ट है या और। लेकिन अब ये तो एक एंगल से लगता है कि ये एक एंगल से ठीक है, लेकिन क्या वाकई में इसका कोई कानूनी पहलू या पूरे राष्ट्र के आधार पर कुछ होगा क्या, या उस पर विचार किया जा सकता है? मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि पहले हम जब वन नेशन वन कैटेगरी की बात करते हैं, हम जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, हम भेदभाव खत्म करने पर बात करते हैं, हम जो जातियां हैं या जो संप्रदाय हैं उनके उत्थान करने के बाद रिजर्वेशन ख़त्म करेंगे, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का भी विचार था, ऐसा लेजिस्लेटिव असेंबली का विचार था, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी विचार था। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर ने Article 16(4) Article 15(4) जब जातियाँ डालना चाहते थे तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसका विरोध किया था खतरनाक टाइप का, और उन्होंने कहा था जातियाँ नहीं डाली जा सकती, आप जातियाँ कभी ख़त्म करना नहीं चाहते क्या, आप अगर जातियाँ उसमें नाम में डालोगे तो जातियाँ कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, और जातियाँ ख़त्म नहीं होंगी तो देश कभी सही रास्ते पर नहीं आएगा, इसलिए देश में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग चाहिए। हाँ, उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन की ज़रूर बात की थी और कहा था कि पॉलिटिकली लोग पार्लियामेंट में आए हर जाति के और वो वहाँ पर कानून बनाए और सब लोग मिलकर कंसीडर करें कि वाकई में सबका उत्थान कैसे होगा। डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद नेहरू ने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसी बात का लाया कि डॉक्टर अंबेडकर जिस बात का विरोध करते रहे उसी चीज़ को उन्होंने डाल दिया, लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम से उसको चलाना शुरू कर दिया और डॉक्टर अंबेडकर को रिजर्वेशन का पुरोधा बता दिया, जबकि वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन केवल था पार्लियामेंट में चुनने के लिए या लेजिस्लेटिव असेंबलीज में चुनने के लिए या नगर महापालिकाओं में चुनाव होते हैं उनके रिजर्वेशन की बात की। उन्होंने Article 16(4) यानी कि एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन का घोर विरोध किया था। अब सवाल यहां पैदा होता है, जब आप देश के प्रत्येक नागरिक को इक्वलिटी पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं तो क्या ये रीजनल जो रिजर्वेशन हम कर रहे हैं या जो राज्य जिन्होंने कहना शुरू कर दिया है, चूंकि अब 2-3 राज्यों में हो गया है तो ये जाहिर सी बात है कि सभी राज्य इस प्रकार की बात करेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसका जन्म उड़ीसा में हुआ
वो उड़ीसा में रिजर्वेशन पाएगा, जबकि इंडस्ट्री तो गुजरात में है, इंडस्ट्री तो महाराष्ट्र में है, इंडस्ट्री तो हरियाणा में है, या इंडस्ट्री पंजाब में है, या इंडस्ट्री तेलंगाना में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु या कर्नाटक में है, तो इनका क्या होगा? केरला में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ, अगर वहाँ इंडस्ट्री नहीं है तो उसका क्या होगा? उत्तर प्रदेश में अगर इंडस्ट्री नहीं है तो उत्तर प्रदेश के व्यक्ति का क्या होगा? बिहार में अगर इंडस्ट्री नहीं है तो बिहार के व्यक्ति का क्या होगा? कोई राज्य अपने यहाँ जाने नहीं देगा। इससे मुझे लगता है कि लाभ से ज़्यादा नुकसान होने वाले हैं। और लाभ से ज़्यादा नुकसान क्या होने वाले हैं? पहला नुकसान तो ये होने वाला है कि क्या इंडस्ट्री के ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनाया जा सकता है। एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री संसार भर को आह्वान कर रहे हैं कि आइए और भारत में इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको सस्ती लेबर देंगे, हम आपको जगह भी देंगे, हम आपको सुविधाएं देंगे। तो संसार भर से आप इंडस्ट्री लाना चाहते हैं और आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में लाना चाहते हैं। अब अगर ये मैसेज सीधा गया कि भाई भारत में तो ये जाति समीकरण इतने खतरनाक हैं जो इंडस्ट्री पर भी भारी हो जाते हैं, आप अपने मन से स्वच्छंद रूप से यहाँ व्यापार नहीं कर सकते, आपको प्रोडक्शन आप यहाँ पर करिए लेकिन प्रोडक्शन में भी आपको ये समस्याएं आएंगी कि वो बताएंगे कि नहीं भाई लोकलाइज्ड लोग यहाँ पर काम करेंगे। अब लोकलाइज्ड लोग अगर काम करेंगे तो वो यूनियन भी लोकल बनाएंगे, लोकल यूनियन बनाएंगे तो जो 25% बाहर से आएंगे तो मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी भी वहाँ पर चलेगा, यानी कि 25% को भगा दिया जाए, ऐसा भी प्रयास करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में हमने देखा 1989-90 में उन्होंने कश्मीरियत के नाम से लोगों को भगाना शुरू कर दिया और आर्टिकल 35 कैपिटल ए जैसा आर्टिकल बनाकर रख दिया और कहा कि हम बाहर के व्यक्ति को यहाँ नहीं आने देंगे, तो उससे नुकसान किसका होगा? हकीकत में ये आर्टिकल 35 कैपिटल ए के एक पार्ट जैसा है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगा। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे, ये कहते हैं लोकल एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगा। तो अब सवाल यह था आर्टिकल 35 कैपिटल ए क्या दूसरे रूप में भारत में लाया जा सकता है। मैं उस पर भी बात करूंगा कि इनके सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, अगर हमको वाकई में लोकल डेवलपमेंट करना है तो उसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं और दूसरे रास्ते क्या हो सकते थे। पहली बात तो मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो बुरी हाल है वो उसका मेन कारण आर्टिकल 35 कैपिटल ए था और कहा था कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं होने देंगे, हम बाहर के व्यक्ति को नहीं आने देंगे। नतीजा निकला कि अच्छे प्रोफेसर्स नहीं मिले, अच्छे डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं मिले, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर नहीं मिले, इन्वेस्टर्स वहाँ पर नहीं मिले, जो डेवलपमेंट करने वाले लोग थे वो जम्मू कश्मीर गए नहीं। तो एक राज्य इतना पिछड़ गया कि वहाँ टेररिज्म डेवलप हो गया सिर्फ एक रीजनलिज्म की वजह से, क्योंकि रीजनलिज्म वहाँ पर इतना डेवलप हो गया और कश्मीरियत के नाम से बॉम्ब फोड़ना, कश्मीरियत के नाम से लोगों को मारना, कश्मीरियत के नाम से बहुत कुछ, और फाइनली वो कश्मीरियत के नाम से अब देश हमारा अलग कर दो, हम अलगाव करेंगे, हम नया देश बनाएंगे। तो जर्म्स तो वहीं से बोए गए थे 1956 में, जिस समय आर्टिकल 35 कैपिटल ए बनाकर उनको दिया गया था और ये कहा गया था कि कश्मीरियत को प्रिजर्व कर लीजिए, बाकी आपके इंटरवेंशन नहीं करेंगे। क्या वही हाल अब लोकल इंडस्ट्री जो हर राज्य में अपने अपने हिसाब से लगाई जाती है उस इंडस्ट्री में वही हाल नहीं होने वाला है? तो एक बहुत बड़ी समस्या तो ये आ जाएगी कि रीजनलिज्म विल प्रिवेल ओवर द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री वहाँ क्यों रहे, वो कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ क्यों करे, वो फैक्ट्री अपनी क्यों लगाए, वो अगल बगल के देश में चला जाएगा, वो नेपाल में चला जाएगा, वो श्रीलंका में चला जाएगा, वो मालदीव में चला जाएगा जहाँ पर इस तरह की समस्याएं उसको नहीं फेस करनी है, या और दूसरे देश अगल बगल फिलीपींस में चला जाए, कंबोडिया में चला जाए, वहाँ से सप्लाई यहाँ हो जाएंगे। तो एक सवाल बहुत बड़ा ये पड़ेगा कि इंडस्ट्री वहाँ क्यों रहे जब उसके सामने उसको डर है कि भविष्य में ये लोकलाइज मिलकर इंडस्ट्री को बंद भी करवा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कम्युनिस्टों की फिलॉसफी इसी प्रकार के चलती है और वो यूनियन बनाना शुरू कर देते हैं और यूनियन बना बना के इंडस्ट्री को भगा देते हैं। कानपुर उसका सबसे बड़ा विक्टिम है। एक समय पर 1925 में भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर, और कानपुर देश में सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती थी। आज कानपुर में इंडस्ट्री जा चुकी है, उसका मेन कारण है यूनियंस का होना। तो ये यूनियनों ने अपनी मांगे मनवाना, सब बंद करना। जब एम्प्लॉयर के पास या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं होगा कि वो अगर यहाँ पर समस्या खड़ी हुई तो बाहर से लेबर लाकर यहाँ पर इस्तेमाल करते तो इंडस्ट्री नो डाउट बंद हो जानी है। तो एक समस्या तो ये आने वाली है। दूसरी समस्या ये आने वाली है कि जो डोमिसाइल के बेस पर हम कह रहे हैं तो डोमिसाइल की परिभाषा ही अभी भारत में डिफाइंड नहीं है।
हर राज्य अपने अपने हिसाब से डोमिसाइल करता है, कोई कहता है मेरा 10 साल रह लोगे तो डोमिसाइल हो जाओगे, कोई कहता है 15 साल। अभी अभी जम्मू कश्मीर ने अपने हिसाब से अपनी डोमिसाइल की परिभाषा कर ली और उसने कह दिया कि आप 15 साल से यहाँ रहते हैं तो फिर आप डोमिसाइल हो जाएंगे, 10 साल से नौकरी करते हैं तो आप यहाँ डोमिसाइल हो जाएंगे, आपके बच्चे यहाँ पर हुए तो डोमिसाइल हो जाएंगे। तो वो उनका 7 साल से 15 साल के बीच का उनका डोमिसाइल की फिलॉसफी आई अलग अलग, नौकरी वालों के लिए अलग, आर्मी के लिए अलग, वहाँ के लोकल के लिए अलग, इस तरह की डोमिसाइल की पॉलिसी। तो हमारे देश में, पूरे देश में डोमिसाइल की पॉलिसियाँ सब राज्यों की अपने अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, यूनिवर्सल डोमिसाइल पॉलिसी नहीं। तो कौन सा राज्य किस हिसाब से डोमिसाइल तय करेगा ये भी अभी अपने को पता नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि गुजरात ने अपने यहाँ 1995 में ही ये प्रस्ताव रखा था कि हमारे यहाँ 85% लोकल को आप जॉब देंगे, लेकिन साथ में 85% को लोकल में जॉब देंगे, लेकिन उनकी खास बात ये थी कि उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं भी देते तो आपको पिनलाइज नहीं किया जा सकता, आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोशिश करिए कि 85% आप यहाँ के लोगों को देंगे। लेकिन साथ में उन्होंने जो 85% वाला फॉर्मूला आया उसमें डोमिसाइल बताया 15 साल से जो गुजरात में रहता है उसको देंगे, तो डोमिसाइल उनका 15 साल का है, किसी का 10 साल का है, किसी का 5 साल का। अब हम जब भारत में प्रदीप जैन का केस पढ़ते हैं तो प्रदीप जैन के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि भारत में सिर्फ एक डोमिसाइल है, वो है भारत की डोमिसाइल, राज्यों की अपनी डोमिसाइल नहीं है भारत में। ये प्रदीप जैन का बड़ा केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, क्योंकि अभी तक डोमिसाइल की कोई पॉलिसी भारत में डिफाइंड नहीं, प्रदीप जैन के केस के बाद भी अभी तक कोई डिफाइंड नहीं, इसलिए भारत में सिर्फ एक डोमिसाइल है, वो है भारत की डोमिसाइल। आर्टिकल 5 से लेकर और आर्टिकल 10-11 तक हम डोमिसाइल या हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, वो सिटीजनशिप ही भारत में लोकलाइज्ड है। दूसरी समस्या क्या आने वाली है? दूसरी समस्या आने वाली है कि ये इंडस्ट्री के अलावा रीजनलिज्म कितना बढ़ जाएगा। अभी मद्रासी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, बिहारी, इस तरह के हमारे यहाँ चल रहा है। आपने देखा होगा कि मुंबई में ये बात उठी थी जब उद्धव ठाकरे, ये ठाकरे परिवार ये निकाल के लाए थे कि मद्रासी, आपको याद होगा, कि जिन लोगों को भी याद है उनको याद होगा बाल ठाकरे ने मद्रासी मूवमेंट चलाया था कि मद्रासियों को यहाँ से भगाओ। उनके भतीजे राज ठाकरे ने वो मद्रासी के दूसरा रूप यूपी और बिहार वालों को यहाँ से भगाओ ऐसा शुरू कर दिया। तो क्या है कि उन्होंने कहा नहीं साहब लोकल के जॉब ये खा रहे हैं, तो इस आधार पर ये मारपीट शुरू हो गई। अब वहाँ एक नफरत पैदा हो गई मद्रासी और उत्तर प्रदेश बिहारी के खिलाफ। अब सवाल ये पता होता है कि जो महाराष्ट्रियन बिहार में फंस गया उस समय बिहार में वो चालू हो गया, जब बाल ठाकरे ने किया था तो जो मराठी मद्रास में फंस जाता था या तमिलनाडु में फंस जाता था वो वहाँ उसकी मारपीट शुरू कर देते थे। तो क्या अब फिर ये रीजनलिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं? जैसे हमने रिजर्वेशन को कभी बढ़ावा देकर SC ST OBC इनमें फैक्टर कर दिए, आज SC ST OBC भारत में एक समस्या के रूप में ऐसे खड़ा हुआ है कि वो रिजर्वेशन की वजह से उन्होंने ग्रुपिंग बना ली और पॉलिटिकल पार्टियाँ बन गई। जैसे आप कहेंगे जो जातीय पार्टियां भारत में बनी, उन जातीय पार्टियों में मुलायम सिंह की पार्टी थी, उन जातीय पार्टियों में लल्लू प्रसाद की पार्टी थी, उन जातीय पार्टियों में कांशीराम ने मायावती जो बाद में सक्सेसर बनी मायावती की पार्टी थी। तो अब ये दलितों की पार्टी, OBC की पार्टी, सवर्णों की पार्टी, जनरल की पार्टी या मुस्लिम्स की पार्टी, ये पार्टीबंदी शुरू हुई और खूब अच्छे तरह से एक दूसरे में वैमनस्यता पैदा हो गई। तो जातियों में वैमनस्यता भी तभी आई थी जब जाति रिजर्वेशन आपने शुरू किया। अब आप उसको एक और स्टेप आगे अगर बढ़ा रहे हैं और रीजनलिज्म डेवलप हो जाएगा तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा समस्याएं आएंगी। और रीजनलिज्म अगर भारत में डेवलप हो गया तो भारत में कैसे भारत टूटे? मद्रासी कहेगा हमें अलग देश चाहिए, मराठी मद्रासी से मतलब तमिल कहेगा हमें अलग देश चाहिए, तेलुगु कहेगा हमें अलग देश चाहिए, कन्नड़ कहेगा हमें अलग देश चाहिए, मराठी कहेगा हमें अलग चाहिए, यूपी का और बिहार का कहेगा हमें अलग चाहिए, असमिया कहेगा अलग चाहिए, बंगाली कहेगा बंगाल में। ये प्रॉब्लम आप देख ही रहे हो किस प्रकार से रीजनलिज्म वहाँ पर हावी हो चुका है। पंजाबी अपने में कुछ बात कहेगा, हरियाणा का जाट अपने में कुछ बात करेगा, राजस्थानी अपने में कुछ बात करने लगेगा, या गुजराती जो कहेगा कि मैंने तो इन्वेस्टमेंट, मेरे पास पैसा है, मैं भाई किसी को नहीं मोबिलाइज करूँगा। तो ये समस्याएं, या आदिवासी अपने हिसाब से कहेगा जंगल में किसी को नहीं घुसने दूंगा। तो ये मुझे लगता है कि भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है, इसलिए हमारे देश को आज विचार करना पड़ेगा कि आखिर इसका सलूशन हमारे पास क्या है।
तो और जो दूसरी समस्या आ गई, अब तीसरी जो जिस जो इसका समाधान है, बात तो सही है कि भाई हमारे लोकलाइट को जॉब नहीं मिलता, बाहर से इंटेलेक्ट आकर जॉब ले लेता तो लोकलाइट जो है उसको समस्या खड़ी होती, लोकलाइट को समस्या खड़ी होती, लेकिन उसके साथ उसको लाभ भी होता। जब हमने बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई और वहाँ से हमने क्रीम देश भर की बुलाई और उसको एम्प्लॉयमेंट दे दिया, तो यहाँ पर एक जो जो यहाँ नौकरी करने आया उसके सब ग्रुप्स बन जाते हैं, उसके आधार पर मार्केट डेवलप हो जाती है, उसके आधार पर रेजिडेंस डेवलप हो जाते हैं, लोगों के मकान किराए पर रुकते हैं, लोग वहाँ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं और जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो लोकलाइट के पास आ जाता है। तो जो बहुत छोटा तबका है उस छोटे तबके को जिसके पास संसाधन नहीं है उसको भी कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। मुझे लगता है कि अब एक राष्ट्र एक व्यक्ति की जब हम बात करते हैं, एक राष्ट्र में एक तरह का व्यक्ति होना चाहिए, एक से कानून होने चाहिए, एक सी व्यवस्था होनी चाहिए, राष्ट्र के अंदर किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी स्टेटस खत्म होना चाहिए, रिजर्वेशन धीरे धीरे इलिमिनेट होना चाहिए, सब बराबर खड़े हों, कोई भेदभाव जातिपात का ना हो, कोई रीजनल भेदभाव ना हो, कोई भाषाई आधार पर भेदभाव ना हो, कोई सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव ना हो, ये मोटो ये प्रिंसिपल है भारत का, तो फिर मुझे लगता है इन टोटो इस प्रिंसिपल का विरोध हो रहा है। लेकिन लोकल लोगों की भी चिंता करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को अगर रोकना है अपने यहाँ तो अपने को ये कहना पड़ेगा, राज्यों को ये कहना पड़ेगा कि अगर आप लोकलाइट को जॉब देते हैं तो फिर आपको इंसेंटिव मिलेंगे, आपको टैक्स में रिबेट मिलेगी, आपको यहाँ सस्ती बिजली मिलेगी। कुछ राज्यों ने ऐसा कर भी रखा है कि वो सस्ती बिजली के, जैसे तेलंगाना ने कर रखा है, उन्होंने कहा सस्ती बिजली हम आपको देंगे, हम आपको इंसेंटिव देंगे अगर आप लोकलाइट को भर्ती करते हैं तो। आप देख लीजिए, तो इंडस्ट्री के पास ये चॉइस रहती है कि भाई हमें 1% टैक्स बचाना है या हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। अगर उसको लगता है कि इसमें इतने परसेंट लोग ले लिए जाएं तो इतने परसेंट लोग लेने के बाद हमारी इंडस्ट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता लोकल लेने के बाद, और हम इसको रन कर सकते हैं, स्मूथली रन कर सकते हैं, अच्छे से रन कर सकते हैं, प्रोडक्शन हमारा जारी रहेगा, इंडस्ट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो उतनी परसेंटेज में ले लेगा। लेकिन आप अगर कंपलसरी 75% कर देंगे तो फिर इंडस्ट्री के पास कोई उपाय नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये विषय गंभीरता से पूरे देश को लेना चाहिए और इसमें और क्या सोल्यूशन लोकलाइट को एक्सप्लोर करने के लिए दिए जा सकते हैं उस पर गंभीरता से विचार करना। ये जो थ्योरी अडॉप्ट कर ली है, ये थ्योरी मेरे अनुसार ठीक नहीं है, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, देश की यूनिटी के लिए ठीक नहीं है, जो देश की प्रॉब्लम्स हैं उनको और बढ़ा देगी। देश की प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, मैं कहता हूँ प्रॉब्लम है लेकिन ये सुपरसीड नहीं करती, तो अंग्रेजों के समय पर एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस था, मुगलों के समय पर एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस था। मुगलों के समय पर सिर्फ हमको कोड़े मिलते थे, अंग्रेजों के समय पर सिर्फ हमको मार मिलती थी। तो अगर एम्प्लॉयमेंट इतना एम्प्लॉयमेंट के पीछे भागना है, कहना है, ये सब पर ध्यान देना है, तो फिर राष्ट्र साइड में रखना पड़ेगा और गुलामी की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है देश अक्षुण्ण कैसे हो। सकता है मुझे सेक्रीफाइस करना पड़े, हो सकता है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी ना हो, लेकिन राष्ट्र है तो हमारे आगे के वंश भी हैं। आज मेरी पीढ़ी हो सकता है कि समस्याग्रस्त रहे, लेकिन अगर राष्ट्र में सब स्मूथ चलेगा तो मेरी अगली पीढ़ी काबिल अगर निकली तो वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन अगर ये रीजनलिज्म, जातिवाद या जो संप्रदायवाद है, इस ये कहीं बहुत हाई डेवलप हो गया तो हमारी अगली पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है और राष्ट्र को समस्या होने वाली है। इनको हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर हम आज उसको ध्यान नहीं देते, मुझे लगता है केंद्र सरकार को इस पर इंटरवीन करना चाहिए और इस पर कोई एक स्मूथ सोल्यूशन, इंसेंटिव बेस्ड निकालना चाहिए ताकि इंडस्ट्री भी बनी रहे, रीजनलिज्म भी बहुत डेवलप ना हो पाए, रीजनलिज्म भी हावी ना हो पाए, और दूसरी बात कि डोमिसाइल की पॉलिसी भी यहाँ पर हमारे देश में बिल्कुल तय हो जाए और जो प्रॉब्लम्स इस रिजर्वेशन की वजह से आएंगी वो प्रॉब्लम्स ना आए और FDI भारत में आता रहे, इन्वेस्टमेंट भारत में आता रहे, ये सब हमको विचार करना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर हम इस पर विचार करते हैं तो भारत स्मूथली आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज अगले 10-5 साल में ये सभी राज्य इसको अडॉप्ट कर लेंगे और फिर गरीब गरीब ही रहेगा। कभी भारत में एक सी समानता नहीं आ सकती, राज्यों के बीच में समानता नहीं आ सकती, रीजन्स में, भाषाओं में समानता नहीं आ सकती। ये समस्या भारत के लिए गंभीर खड़ी होने वाली है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।